सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद जहां एक तरफ बीटीसी डीएलएड को कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए शिक्षक बनने के लिए योग्य और 6 से लेकर 12 तक के लिए बीएड के अभ्यर्थियों की योग्यता के पैमाने पर उतार कर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था वो भारत के सभी राज्यों के लिए लागू था। लेकिन अभी हाल में आज एक खबर आपको चलती उड़ती हुई नजर आई है कि असम शिक्षक भर्ती परीक्षा में, मैंने असम में जो शिक्षक भर्ती होने जा रही है उसमें प्राथमिक के लिए बीएड को इजबल कर दिया है। इस खबर को आते ही ये बार बार खबर तेजी से चल रही है, क्या अब यूपी में भी ऐसा हो सकता है, क्या अन्य राज्य में भी ऐसा हो सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन भारत के सभी राज्य आते हैं और उसकी अपेक्षा अगर उसके आधार पर देखें, उसकी अगर तुलना यहाँ पर हम इन राज्यों से करें तो अलग अलग बातें निकल रही। क्या राज्य के पास ऐसा अधिकार है, राज्य के पास ऐसा राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर चले जाए? क्या वो एनसीटी के गाइडलाइन रद्द हो चुकी, उस गाइडलाइन से भी ऊपर जाकर क्या ऐसा कर सकता? ऐसे तमाम तरह के सवाल, तमाम तरह के अटकले एक एक करके सामने आती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं ये खबर आने के बाद लोगों में एक उम्मीद से जग रही है कि यार मैं भी बीएड किया हुआ था, मुझे तो लग रहा था मैं तो प्राथमिक से बाहर हो गया, अब असम ने कर दिया, दर्द हो सकता है अन्य राज्य जो है उन राज्यों में भी बीएड को प्राथमिक एंट्री मिल जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस मामले को पूरा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि असम शिक्षक भर्ती में जो बीएड की एंट्री हुई वो 6 से लेकर 12 तक के लिए हुई है, 6 से लेकर 8 तक के, सॉरी जूनियर के लिए हुई, अपर प्राइमरी के लिए हुई है। प्राइमरी के लिए अभी भी बीटीसी और डीएलएड सुरक्षित है और उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत के सभी राज्यों में आने वाली सभी परीक्षाओं में जो प्राथमिक की शिक्षक भर्ती होगी उन सभी परीक्षाओं के लिए या जो भी प्राथमिक भर्ती होगी, चाहे परीक्षा के माध्यम से हो, मेरिट के आधार पर हो, या जो अलग अलग राज्य अपने दायरा तय करते हैं, उन सभी दायरे में केवल केवल बीटीसी और डीएलएड के अभ्यर्थियों को ही मौका मिलने वाला है। क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को नहीं पलटता या संसद के द्वारा कानून बनाकर या किसी अन्य माध्यम से, तब तक इसी तरह की खबरें आती रहेंगी और हमें आपको आपस में लड़ाने के साथ साथ हमें आपको विचलित भी करते रहेंगे अपने एम से। क्योंकि इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने, माने सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि बीएड के अभ्यर्थी की जो प्रशिक्षण होता है वो बड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है, 6 से लेकर 12 तक के लिए होता है, जूनियर के लिए होता है, टीजीटी के लिए होता है, अल्टी ग्रेड के लिए होता है, और खंड शिक्षा अधिकारी हुआ, जिला शिक्षा अधिकारी हुआ, तो इन बड़े पदों के लिए बीएड के भर्ती बने हुए हैं। और 1 से लेकर 5 तक के लिए छोटे पद के लिए बीटीसी की एलिमेंट्री कोर्स होती है और जो डिप्लोमा होती है, तो डिप्लोमा होल्डर जो है कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए। तो ये कहीं कहीं अलग अलग राज्यों में जो ये खबरें आ रही है, ये मान के चलिए सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, बॉस है, और उसके निर्णय के अधीन जो जा रहा कहीं ना कहीं उसके लिए भी संकट खड़ी हो जाएगी। तो एकदम स्पष्ट रूप से ये मान लीजिएगा कि प्राथमिक में अभी तक के लिए फिलहाल बीएड की एंट्री नहीं है। बीएड 6 से लेकर 12 तक के लिए टीजीटी, पीजीटी, नवोदय विद्यालय और कस्तूरबा गांधी, ऐसे तमाम तरी भर्तियों में आवेदन कर पाएंगे, उनको पूरा पूरा मौका है। लेकिन प्राथमिक के लिए फिलहाल के लिए अभी तक बीटीसी डीएलएड ही इजबल है। एक सवाल फिर घूम के आ रहा है, क्या यूपी में भी ऐसा होगा? अभी तक फिलहाल जो यूपी में आने वाली भर्ती है उसमें केवल केवल बीटीसी डीएलएड को मौका मिलेगा। आज की अगर प्रथम दृष्टि अगर सुप्रीम कोर्ट के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यूपी समेत सभी राज्यों में, मैं यूपी की अगर स्पेशल बात करूं तो यहां डीएलएड और बीटीसी के अभ्यर्थी 1 से लेकर 5 तक में सरकारी शिक्षक बनने की योग्यता को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन आते हैं और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन ही रहेंगे। इसलिए तमाम तरह की अफवाहें आती रहेंगी, जाती रहेंगी। और असम का जो मामला है अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं, जब स्पष्ट होकर आएगा तो आपको समझ में आएगा कि वहां अपर प्राइमरी के लिए बीएड और प्राइमरी के लिए बीटीसी है। फिलहाल प्रथम दृष्टया तो ये तेजी से वायरल हो रहा है, तो इसलिए वायरल खबरों से ज्यादा आने वाली खबरों पर ही ध्यान देना होगा, क्योंकि वायरल खबरें कहीं ना कहीं हमें और आपको विचलित करती हैं। फिलहाल आप सभी अपनी अपनी तैयारी पर फोकस करें, और जो बीएड के अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश से अगर है तो खंड शिक्षा अधिकारी उनके लिए बड़ा मौका है, और आरओआरओ का सिलेबस, और अगर हम बात करें एलटी ग्रेड का तो जो जीएस का पोर्शन होता है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछली बार एलटी ग्रेड के बहुत सारे पद खाली रह गए थे क्योंकि क्वालिफाई लोग नहीं कर पाए, तो उसके लिए जो जीएस है वो कहीं ना कहीं पहाड़ जैसा होता है। तो उस जीएस की पार करने के लिए आप एलटी ग्रेड बी आरओ की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन जो बीटीसी के अभ्यर्थी वो आरओआरओ में भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आरओआरओ जो है वो बीटीसी और बीएड दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए स्नातक ही है, और लेकिन स्पेशल पोस्ट जो है वो है एलटी ग्रेड है और बीओ है, वो केवल केवल बीएड के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। उसकी तैयारी करिए, अध्याचन हो रहा है, और अगर आपकी क्षमता है और आपकी मेहनत है और आपकी तैयारी अच्छी है तो सिलेक्शन से कोई रोक नहीं पाएगा। उसके सिलेबस, उसके पाठ्यक्रम मैंने वीडियो बना दी है, और आप अपनी तैयारी को बेहतर रखेगा। एक सवाल आ रहा है, क्या उत्तर प्रदेश में आने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा में कोई बदलाव देखने को मिलेगा? क्या यूपी टेट के बाद ही शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी? जी हाँ, यूपी टेट के बाद ही शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी, और देर से हो सकती है क्योंकि परीक्षा में विलंब हो सकता है, लेकिन अंधेर नहीं होगा। इससे
जितने भी साथ इस वीडियो को देख रहे हैं अपनी तैयारी जारी रखें, चाहे बीटीसी अभ्यर्थी हैं, चाहे बीएड के अभ्यर्थी हैं, आपस में लड़ने की जगह, द्वंद करने की जगह आप अपनी तैयारी पर फोकस करें। वैसे आप इस वीडियो पर आपका बीटीसी बीएड का जो मामला असम शिक्षक भर्ती को देखते हुए आपका क्या रहा है, वीडियो में कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करेगा, फीडबैक अपना भी दीजिएगा, और यूपी में आपको क्या लगता है क्या हो सकता है इसकी भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वीडियो को जब फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा। वैसे सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, बॉस है, और बॉस के निर्णय का दिन सभी है, और हमें भी और हम सभी को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करना चाहिए, उनका सम्मान भी करना चाहिए। अगर उसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं आप इस निर्णय के खिलाफ याचिका दाखिल कर सकते हैं तो न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा और न्यायिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं। फिलहाल प्रथम दृष्टि हम सभी माननीय न्यायालय के निर्णय को सम्मान करते हैं। वैसे आप किसमें क्या राय है, क्या फीडबैक है, वीडियो में कॉमेंट सेक्शन में जाएगा और कॉमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू सभी का, बेस्ट ऑफ लक। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएगा, वीडियो को अपने सभी मित्रों तक साझा करेगा, फेसबुक पे देख रहे वीडियो को लाइक और शेयर करेगा। आपका कोई व्यक्तिगत सवाल है इलनी में दरगेस इंस्टाग्राम पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। मुझे जब भी मौका मिलता है मैं आप सभी के लिए निःशुल्क क्लासेस लेकर आता रहता हूं, आगे भी लेकर आता रहूंगा, ताकि आप भी अपने परिवार अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सके। क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूं कि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में और आप रेस के घोड़े, और आपकी रेस हमेशा सिलेक्शन से थी, सिलेक्शन से है और सिलेक्शन से ही रहेगी। ठीक है, थैंक यू आप सभी का, बाय बाय।